सबके मन में एक ही डाउट होगा कि मैंने न्यूज चैनल खोला हूँ तो इस चैनल पे वीडियो आएगी या नहीं आएगी, क्यों न्यूज चैनल खोला हूँ, नहीं खोला हूँ, क्यों इस चैनल पे काम नहीं करूंगा, इस पे तो 40,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, मोनेटाइज है ही, डॉलर बनी रहे, तो सारे कुछ का रीजन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, वैसा कैसे हो, ड्रिंकिंग अकालबा कैसन बाड़ू कैम चू कैम नो, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जिनको नहीं पता है कि मैंने नया चैनल खोला हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर सब्सक्राइब करो। तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये चैनल जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हो 2017 में खोला गया था। इस चैनल का पर्पस था कि जो भी अपने मिथिलांचल में प्रॉब्लम होती है, जैसे सोशल अवेयरनेस, अपने मिथिलांचल में नहीं, पूरा ऑल इंडिया में या ऑल वर्ल्ड में बोल सकते हो, सोशल अवेयरनेस मूवी शॉर्ट फिल्म इस पे डाला जाए। तो इस पे मैंने ट्राई भी किया हूँ 2017 में, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फिल्म भी बनाया हूँ इस चैनल पे जो आप लोग देखे होंगे। और करीब 2017 में ही मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो एक महीने के लिए ही मैं बिहार आया करता था, तो बिहार में एक महीने में जितना शॉर्ट फिल्म बनता था, फिर बाद में मैं कॉलेज करता था, ऐसे ही चैनल बंद रहता था। इस चैनल का नाम था पहले अपन मिथिलांचल, फिर बाद में मैंने इस पे अपना ही रोल करता था, मैथिली में वीडियो बनाता था, हिंदी में बनाता था कि बापी माई, बेटा माई, और माँ माई, सब कुछ माई बनता था, एक ही रोल करता था, उसका नाम चेंज करके मैंने विष्णु बिहारी रख दिया। ये सब करीब 2017 से 18 19 के बीच में हुआ करता था, पर मैं वीडियो बनाते गया, YouTube पे कभी भी गिव अप नहीं किया, क्योंकि मेरे को YouTube पे काम करना ही था, व्यू आए नहीं आए। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि ऐसे कर रहा हूँ तो कुछ व्यू नहीं आ रहा है, फिर भी मैं ट्राई करते गया। फिर हो गया है 2020 या 2019 में लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में सबका दिमाग ऐसी कि तैसी हो रहा था, और मेरा कॉलेज भी ऑनलाइन क्लासेस होता था, तो मैं चेन्नई में रहता था, तो चेन्नई में क्या किया, बिहार आया, और बिहार में आकर मेरे को रैप करने का शौक था, तो रैपिंग करने का शौक था, तो मैं स्टूडियो सब तलाश करने लगा, तो बहुत सारे स्टूडियो भी गया, बहुत सारे सिंगर से भी मिला यहाँ पे। तो ऐसे करते करते, और मेरे पास चैनल भी था, तो मैंने क्लिक हुआ मेरे माइंड में कि मैं क्यों ने सबका इंटरव्यू लिया जाए। तो मिथिलांचल में मैंने करीब एक साल इंटरव्यू का काम किया, मतलब कौन सा इंटरव्यू, यहाँ का जो भी सिंगर विंगर है उनका इंटरव्यू लिया करता था। उस टाइम तो मेरा चैनल बमक गया था, मतलब उससे ही वायरल हुआ। फिर मैंने सोचा कि अपने मिथिलांचल में हो ही गया, कवर कर ही लिया हूँ सब लोग को, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के इंडस्ट्री में जाए। तो मैंने फर्स्ट पेमेंट लेकर पटना गया था, पिछले साल एक साल हो चुका है, तो मैंने पटना में भी बहुत ही भोजपुरी सिंगर सबका इंटरव्यू लिया, फिर से ऑटो आ चुका है। अरे भाई मेरा भी कर लो ना, ऑटो का भी लो, कान कदरा केदारनाथ से आ गए हैं। हां हां, कैसा रहा केदारनाथ? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, साइकिल से पूरा किया, पूरा चारों धाम साइकिल से। अच्छा अच्छा, वो रास्ते पे कहां रुकते थे, मंदिर ढाबा रूम? कितना दिन में पहुंचे? लग गया दोनों, मतलब चारों धाम करने में 2 महीना। अच्छा 2 महीना? हाँ। अच्छा चलिए, केदारनाथ के जब मजा कैसा आया? एकदम बढ़िया, स्वर्ग लोग में थे। स्वर्ग लोग में? हाँ। आते वक्त में बस में आए? हाँ, बस में। और तो साइकिल वहीं पे थी? नहीं नहीं, साइकिल लेकर आए साथ। साइकिल लेकर आए, इसको कैसे छोड़ देंगे यार, हम तो देख रहे थे पूरा एकदम यही। एकदम चैनल का सब्सक्राइबर भी भाग रहे थे उस कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? सॉन्ग प्रमोट, सॉन्ग वगैरह वगैरह, उस कैटेगरी में। तो फिर मैंने पटना भी गया, पटना में सोचा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाऊंगा, वहां पे भी मचाऊंगा, वहां पे भी मचाया। फिर मैंने रात को एक टाइम सोचा, मैं कितना दिन तक ऐसे करते रहूँगा, कितना दिन तक लोगों के पीछे भागते रहूँगा, एक दिन तो ये कंटेंट ख़त्म होगा, हो जाएगा। तो फिर मैंने शपथ लिया, नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर बोला कि इस चैनल पे बस ब्लॉगिंग ही आएगा। तो करीब मैं इस चैनल पे भी एक साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, उस तरह से मेरे को नहीं दिखा जिस तरह से दिखना चाहिए, और मेहनत कर रहा हूँ उस तरह से पैर और सपोर्ट नहीं मिला। यही एक रीज़न है कि मैंने इस पे कैटेगरी चेंज किया हूँ, इसके कारण कहीं ना कहीं इस चैनल पे उस तरह से ग्रो नहीं हो पा रहा है, बस जितना हो रहा उतने में ही लटक रहा है। ऐसे नहीं है कि मेहनत करूंगा ग्रो नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, पर मेरे को एक गिल्टी फील होता है। जो भी नया सब्सक्राइबर आएगा तो उनका एक ही एक माइंड सेट होता है कि ये भाई ने कैसे अपने आप को इस चैनल पे काम किया, तो जाके सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो देखेंगे, तो वही रहेगा भोजपुरी का, मैथिली का इंटरव्यू, वही मेरे चैनल पे वायरल हो रहा है। मैं कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा तो लाख व्यू आ जाता है पुराने वीडियो से ही, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मेरा कैटेगरी
भोजपुरी सिंगर वाला है, इसलिए मेरा मेनली फोकस है कि इस चैनल को क्लोज करूंगा, नया चैनल रहेगा उस पर लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग दिखाऊंगा। मैं इस चैनल पर भी अगर मेहनत करूंगा तो अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा, पर अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे चैनल पर बहुत सारा पुराना वीडियो इंटरव्यू सब है और मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को उस तरह का फील अच्छा नहीं लग रहा और मैं गिल्टी फील करता हूँ। तो इसलिए मैंने नया चैनल खोला हूँ, तो उस पर पूरा एकदम धांसू वीडियो सब आने वाला है और कहीं ना कहीं मैं नया ट्रिप का भी प्लान कर रहा हूँ साइकिल से ही बिहार में ही, वो सब बाद में बताऊँगा। तो यही कुछ था रीज़न कि मैं इसलिए चैनल खोला हूँ और ये चैनल पे काम नहीं करूँगा। इस चैनल पे आएगा, एक महीना तक वीडियो आएगा, उसके बाद उस चैनल पे वीडियो आएगा, बाकी सब बढ़िया मस्त है। और आप लोग कमेंट्स करो कि मैंने नया चैनल खोल के कोई गलती तो नहीं किया, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि कोई गलती किया हूँ। उस चैनल पे मैं देख रहा हूँ ना, उस हिसाब से क्या बोलते हैं, इंप्रेशंस थ्रू क्रिक प्लेट भेजा नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा कैटेगरी चेंज हो गया ना, तो इसके लिए। तो और अभी मैं नया चैनल पे मेहनत करूँगा तो और भी कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, कहीं ना कहीं मज़ा आएगा, और जो भी आएगा नया रहेगा, फ्रेश रहेगा, और मेरा कंटेंट भी क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो इसके लिए मैं नया चैनल खोला हूँ, बाकी कुछ नहीं। और आप लोग भी गलती मत करना, कभी भी कोई भी यूट्यूबर होंगे तो जिस कैटेगरी का रहेगा उसी कैटेगरी का ही वीडियो अपने चैनल पर डालना, ऐसे नहीं कि अभी प्रमोट कर लोगे कुछ भी डाल के चैनल वायरल कर लोगे और फिर बाद में सोचोगे कि मैं कैटेगरी चेंज करूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, बेकार होगा, इंप्रेशन थ्रू क्लिक रेट नहीं जाएगा, बहुत ही ये फ्रिज हो जाएगा, जैसे मैंने अभी झेल रहा हूँ। मेरा तो ठीक है 1K आ रहा है, फिर भी मेरे को नहीं चाहिए, कहाँ 40,000 सब्सक्राइबर, कहाँ 1K व्यू। मेरे को पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई मत छोड़ो, छोड़ना ज़रूरी है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। और बात रही कि 1 मिलियन वाले सब्सक्राइबर को भी 1,00,000 व्यू नहीं जाता है, तो मैं उनसे ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे को उनके जैसे कंपेयर करके मेरे को उनके जैसे नहीं बनना है, मेरे को जो सही लग रहा है सही लग रहा है। और आप लोग सपोर्ट भी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं कमेंट्स करके आप अपना राय और विचार दो कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, नया चैनल सही खोल कर सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और जो जो सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना विष्णु बिहारी चैनल पे, अभी एक महीना तक वीडियो आएगा, 10-15 दिन तक वीडियो आएगा, फिर मेरा नया चैनल पे शायद नवरात्रि के बाद उस पर कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा, न्यू कंटेंट, न्यू सब कुछ रहेगा, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास रहेगा। और नया चैनल जो मैं क्रिएट किया हूँ, वो चैनल का नाम थोड़ा गलत अजीब गजीब है, तो जो जो सब्सक्राइब नहीं किया हो जाके सब्सक्राइब करो, अजीब गजीब है कुछ नहीं, उसको ही ब्रांड बनाना है, जैसे विष्णु बिहारी एक ब्रांड हो चुका है। किस कैटेगरी में, अगर मैं कोई भी स्टूडियो कोई भी सिंगर से मिलने जाऊंगा तो ज़रूर मेरे को वहां पे पहचानेंगे, और जो वैल्यू है वो वैल्यू रहेगा, क्योंकि मचा दिए थे अपन उस कैटेगरी में। अभी ब्लॉग के कैटेगरी में मचाना है, बहुत ज़्यादा धूप हो गया, तो ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय मिथिला, जय मैथिली, लव यू ऑल। इंस्टा पे नहीं फॉलो करते हो तो जाके फॉलो करो, और जो जो नया चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो जाके सब्सक्राइब करो। बाय बाय।